तबाह। परमीश वर्मा मैं आ गया। यहाँ साइड साइड से जाएंगे और सामने थिएटर है। और अरे कोई है भी अंदर या नहीं, किसी वो क्या रहा है मेरे साथ। अभी अभी ताजी ताजी मैं स्त्री टू देख के आया हूँ और मेरे को रास्ता ही याद नहीं रह रहा। ये तो ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हैं। एक पल के लिए मेरी हार्ट बीट रुक चुकी है अभी। अरे रुक जा, क्योंकि देखो कितनी हाइट पे आ चुकी है। थिएटर में कोई भी नहीं है और टाइम हो रहा है रात के 7:30। पूरा थिएटर ही अकेला यार, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। मूवी का रिव्यू भी मैं आपको दूंगा आफ्टर मूवी, कि मूवी कैसी थी। और वेट करते कि कोई भाई बहन आ जाए हमारे साथ, मूवी देख ले। मैं तो बैठा हूँ, मैं ट्रू फैन हूँ परमीश वर्मा का, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पूरी मूवी देखूंगा। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप सभी ठीक होंगे और सभी के दिन काफी अच्छे कट रहे होंगे। तो आज मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर ISBT। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी यानी, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड है शिमला का, जहाँ पर मैं अभी हूँ। तो यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, ये इसका रीज़न भी आपको पता लग ही जाएगा। तो फिलहाल आज है डेट 18 अक्टूबर और काफ़ी लंबे समय बाद आज परमीश वर्मा की जो मूवी है वो रिलीज़ हुई है वर्ल्ड वाइड पूरे। तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि शिमला में रिलीज़ होगी या नहीं होगी, किसी थिएटर में आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन फाइनली शिमला के जो अयान सिनेमा शिमला में ISBT में, वहाँ पर ये मूवी रिलीज़ हुई है और यहाँ पर ये मूवी लगी है। तो उसी मूवी को देखने मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत टाइम से वेट चल रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद मूवी रिलीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी मैं आया हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 7:10 हो रहे हैं और 7:30 का मेरा शो है। पहले ही घर से टाइम से निकल गया था ताकि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, मतलब अपने यहां पर थिएटर में मूवी बिल्कुल भी मिस ना हो। और वही हुआ, मतलब मैं टाइम से पहुंच भी गया। अभी 20 मिनट मेरे पास है और यहां से मैं जा रहा हूं। अरे मैं थोड़ा गलत आ गया, थोड़ा लिफ्ट की तरफ से चलते हैं। यहां पर लिफ्ट है, वहां से हम जाएंगे और थिएटर में जाएंगे डायरेक्ट। आपको थिएटर भी दिखाते हैं शिमला का कैसा है, यहाँ पर आयान सिनेमाज कैसा है। यहाँ मैं काफ़ी मूवीज़ देख चुका हूँ। लास्ट मूवी जो यहाँ पर मैंने देखी थी वो थी मेरी स्त्री टू, तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बाकी ट्रेलर जो परमीश वर्मा की मूवी है तबाह, उसका मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब मैं तो पहले से ही वेट कर रहा था, तो आज फाइनली वो डे आई गया जिस दिन मैं जा रहा हूँ मूवी देखने। यहाँ पर लिफ्ट तो पहली साइड है, बड़े से जाना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर से भी लिफ्ट मंगवा ली है और इसी लिफ्ट में हम जाने वाले हैं। मैं तो फ्लोर भी भूल गया कौन सा था, शायद टॉप ही फ्लोर में जाना है, तो सेकंड या थर्ड फ्लोर है जिसमें मेरे को जाना है। वैसे तो यहाँ से स्टेयर्स भी जाती है, बट आपको लिफ्ट से मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको व्यू चेक करवाऊँगा कि कितना खतरनाक व्यू दिखता है यहाँ से बाहर। तो लिफ्ट यहाँ पर आ चुकी है और सेकंड फ्लोर पे मैंने जाना है, मतलब शायद यहीं जाना है। तो सेकंड मैंने जा दिया। और मैं क्यों लिफ्ट में आया, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से ये पूरी ग्लास विंडो मिलती है आपको और पूरा, मतलब यहाँ से आप बाहर देख सकते हो ISBT का व्यू। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सारे लोग बाहर दिख रहे हैं। यहाँ से लिफ्ट ऊपर जा रही है और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ें। यहाँ बाहर बसेस वगैरह खड़ी है और शायद मेरे को सेकेंड ही फ्लोर पे जाना है। वो ये ज़्यादा ही ऊपर ले चल रहा है, ये तो ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। एक पल के लिए मेरी हार्ट बीट रुक चुकी है अभी। अरे रुक जा, क्योंकि देखो कितनी हाइट पर आ चुका हूँ। अरे इसी फ्लोर पर जाना था, यहाँ गलत फ्लोर आ गया। यार मैं थिएटर भूल चुका हूँ फिलहाल, यहाँ से तो एग्ज़िट होती है। शिट, वापस जाना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर जाना था, अब मैंने फर्स्ट फ्लोर बना दी, क्योंकि मेरे को यहाँ आके देख रहा था, देख सकते हो आप पिलर वगैरह दिख रहे हैं, तो यहाँ के मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा ही ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं। और मेरे को अकेले पता नहीं इस लिफ्ट में बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे, मतलब और जो क्लोज होती है उसमें इतना नहीं लगता, पर यहाँ से जब हाइट दिखती है ना तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पर जाने तो ये वाला फ्लोर है जिस पे मेरे को जाना है। हाँ यही फ्लोर है, चलो चलते हैं इस वाले फ्लोर पर, नंबर 1। अब मेरे को थिएटर का रास्ता याद क्यों नहीं है, मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी अभी ताज़ी ताज़ी मैं स्त्री टू देख के आया हूँ और मेरे को रास्ता ही याद नहीं रह रहा। अब मैं ठीक रास्ते पर आया हूँ, मतलब वो लिफ्ट से पता नहीं लग रहा था, बट यहाँ साइड साइड से जाएंगे और सामने थिएटर है। और अरे कोई है भी अंदर या नहीं, इसी फ्लोर पे तो मैं आया था, मेरे को रास्ता ही याद नहीं है और ना बोर्ड लगा है। हाँ मिल गया, अच्छा मैं उस साइड उतरा था। ओके तो ये रहा थिएटर। तो यहाँ पर लगे हमारी मूवीज़ की पोस्टर जो हमने देखनी है, तबाह। परमीश वर्मा मैं आ गया। A few moments later. तो थिएटर में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर अब साउंड भी ठीक आ रही है मेरी, दबी दबी। यहाँ पर सामने स्क्रीन है और इस थिएटर में कोई भी नहीं है, खाली थिएटर। ऐसे मैं पहले बहुत सारी मूवीज़ देख चुका हूँ जिसमें कोई भी नहीं होता और थिएटर खाली होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आ रहा है। अब मेरे को फ़िलहाल अपनी सीट ढूंढनी है, जहाँ पर मेरी सीट है। अब वो कहाँ होगी, 7th मेरा नंबर है,
मेरे को लग रहा है लास्ट में है, 7th सीट मुझे मेरी मिल चुकी है जहाँ मुझे बैठना था, लेकिन इस थिएटर में कोई भी नहीं है और टाइम हो रहा है रात के 7:30। ये तो मैं जो मूवी देख रहा हूँ वो थोड़ी ऐसी नहीं है, मतलब कॉमेडी मूवी है, मतलब फ्रेंड्स पर बेस्ड है, कुछ इस तरह के पंजाबी मूवीज़ इस तरह की होती हैं। अगर अदरवाइज़ अगर कोई हॉरर मूवी होती तो मेरी तो जान निकल जाती इस शो में। यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा खाली। ऐसा मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है। एक बार मैं दिलजीत दोसांझ की मूवी देखने गया था शाही थिएटर, और उस टाइम बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बारिश हो रही थी बाहर, और कोई भी नहीं आया थिएटर में। मैं मूवी देखने गया और मैंने पूरी मूवी अकेले देखी। तो कहीं आज वैसा केस ना हो जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज दोबारा ऐसा हो जाएगा, पर उस टाइम दिन था, आज रात है। डर तो नहीं लग रहा, बट पूरा थिएटर ही अकेला यार, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। बाकी मूवी का रिव्यू भी मैं आपको दूंगा आफ्टर मूवी, कि मूवी कैसी थी, और वेट करते हैं कि कोई भाई बहन आ जाए हमारे साथ मूवी देख ले। बाकी अगर नहीं भी आया कोई तो अकेले मूवी देखेंगे, लेकिन परमीश वर्मा हम पूरी मूवी देखेंगे। ये अभी इसलिए नहीं है यहाँ पर लोग, क्योंकि रात का टाइम है, दिन वाला जो शो था वो सोल्ड आउट था, तो अभी रात के टाइम पर शायद नहीं होगा कोई, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मैं तो बैठा हूँ, मैं ट्रू फैन हूँ परमेश वर्मा का, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पूरी मूवी देखूंगा। A few moments later. तेरे नाल तुर गए हासे, किसे तो की ऐसा होना, मैं तेनू कह नहीं सकिया, किसे नाल की कफा होना, तेरा एतबार इन्ना सी कि मेरा तू गवाह होना। मोहब्बत मेहर नहीं करती, ते लाजम सी तबाह। बीवी किवें किवें आवे, उन्हां दे सामने बह के तू दारू पीना सिगरेट पीना, तेनू भी पता है कि उन्हें तेनू नहीं छड़े, ये तेरा डिसीजन सी। तैनू की लगता मैं इस गम च पीना, नहीं मैं तां पीना कि मैं जागदा रहा, क्योंकि जदों मैं अखां बंद करता ओदियां खुलियां अखां मैनू सौण नहीं दिंदियां, सवाल करदियां ने, ते उन्हां सवालां दे मेरे कोल कोई जवाब नहीं होंदे। 2000 years later. तो फाइनली मैं मूवी देख के वापस आ चुका हूँ, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार इस मूवी को देख के। आप लोगों को ये ज़रूर देखनी चाहिए। आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट शो तो नहीं था, सेकंड शो था शिमला में। फर्स्ट शो सुबह 10 बजे था, अभी मैं सेकंड शो देखा है आज फर्स्ट डे का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मतलब इस मूवी को देखने में। और मतलब अगर आप देखोगे ना इस मूवी को, तो सही में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब इतनी सस्पेंस वाली मूवी है, और इतना मतलब एक क्लोज फ्रेंडशिप यहाँ पर दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, मतलब इमोशनल कर देगी आपको लास्ट में मूवी। तो लास्ट में बिल्कुल इमोशनल हो चुका था मैं, और मूवीज़ ऐसी होती है कि प्यार मतलब लास्ट में मिल ही जाता है हीरो को, लेकिन यहाँ पर स्टिल अधूरा रहा। मतलब आप मूवी देखोगे ना बाकी पूरी, तब आपको पता लगेगा कि किस लेवल की मूवी है और किस लेवल की यहाँ पर मेहनत की गई है परमीश वर्मा द्वारा इस मूवी में। सही में मतलब मैं बताऊँ तो इस मूवी को देख के लगता है कि यार मेहनत की है किसी आर्टिस्ट ने, और पूरी टीम को मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि फाइनली इतने टाइम बाद आपकी मूवी रिलीज़ हो गया। और सीरियसली एज अ ऑडियंस बहुत ज़्यादा मज़ा आया मूवी देखने का, और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि यार ये मूवी ज़रूर जाके देखो। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 9:30, 7:30 का मेरा शो था, 9:30 बजे ख़त्म हुआ, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर। तो इतना ही था इस ब्लॉग में, मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और मूवी ज़रूर देखना और फुल सपोर्ट करना परमेश वर्मा को। ओके।